सेवन मार्क्स का आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग का होता है। किसका होता है? स्पॉटिंग का। और स्पॉटिंग कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? और समझिए स्पॉटिंग कैसे करना है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में सेवन स्पॉट्स मिलेंगे। स्पॉट्स क्या होते हैं? सपोज करिए ये एक स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन वहाँ पे रखा हुआ है, स्पॉट नंबर 1, 2, 7 ऐसे नंबरिंग किया गया रहा होगा लैब में, और जिस नंबर पे ये रखा होगा उस स्पॉट्स पे आप पहुँचेंगे। स्पेसिमेन मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल स्कैरिस का है। किसका है? स्कैरिस का है। स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो जिस स्पॉट नंबर पे आप पहुँचेंगे, सपोज करिए एक साथ सेवन स्टूडेंट्स को मैंने भेजा और ये पहुँचे स्पॉट नंबर 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, 6 पे, 7 पे, ठीक है? जिस पे आप पहुँचे हैं उसका स्पॉट नंबर आप डालेंगे। आप 1 पे पहुँचे हैं तो स्पॉट नंबर 1, ये 2 पे पहुँचे हैं तो 2, ये 3, 7 स्पॉट्स आपको मिलेंगे। हर स्पॉट के लिए आपको एक नंबर मिलने वाला है। करना कैसे रहता है? तो सबसे पहले आपको स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई। जैसे यहाँ पे अभी स्कैरिस लिखा हुआ है तो ये क्लोज रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्पेसिमेन को देखेंगे और देख करके इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि स्पॉट क्या है। सपोज करिए आपने आइडेंटिफाई करा ये स्कैरिस है। क्या है? स्कैरिस। अगर ये स्कैरिस है देन ये डिजीज कौन सा काज करता है, इसको आपने कहाँ पढ़ा है? तो आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ये डिजीज स्कैरियसिस काज करता है। क्या काज करता है? स्कैरियसिस। देन आपको क्या करना है, इस स्पॉट नंबर को डाल करके कॉपी में सबसे पहली हेडिंग आइडेंटिफिकेशन डालना है। एंड आइडेंटिफिकेशन में आप लिखेंगे स्कैरिस, किससे बिलोंग करता है ये, उस फाइलम का नाम लिखेंगे, ठीक है? देन इसके बाद आप कमेंट हेडिंग डालेंगे, 2 या 3 या 4 कमेंट आप लिखेंगे लॉजिकल कि ये स्कैरियसिस डिजीज काज करता है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट पहुंचाता है और किस तरीके से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसकी डिटेल आप लिखेंगे। ये आपका 3 से 4 पॉइंट आपको लिखना है, समझ गए? स्पॉटिंग में आपको 1 मार्क्स ईच स्पॉट्स के लिए मिलेंगे, 7 मार्क्स का आपका ये स्पॉटिंग रहेगा, 7 स्पॉट्स रहेंगे आपके प्रैक्टिकल में, समझ गए? अब ये तो एक बात और समझिए, सपोज करिए स्पॉटिंग की जगह पे स्पेसिमेन नहीं रखा है, देन क्या रखा रहेगा? स्लाइड रखा रहेगा। जैसे ये देखिए तो ये TS ऑफ ओवरी की स्लाइड है। अब TS ऑफ ओवरी की स्लाइड है, देन आपको माइक्रोस्कोप भी रखा रहेगा। माइक्रोस्कोप में आपको स्लाइड को सेट करना और उसको आइडेंटिफाई करना है। प्रोसीजर सेम है, आइडेंटिफिकेशन, देन TS ऑफ ओवरी एंड देन कमेंट, 3 या 4 कमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 1.5 से 2 मिनट का मिलने वाला है। 1.5 से 2 मिनट आपको समय मिलेगा। जैसे ही 2 मिनट होगा तुरंत बेल बजेगा और आपको शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे स्पॉट पे। अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग समझें तो एक स्पॉट के लिए बच्चे को लगभग 1.5 मिनट्स की अगर काउंट 2 मिनट्स की अगर काउंटिंग करते हैं तो 14 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं हर एक स्टूडेंट्स को। कम ही मान के चलिए 1.5 से 2 मिनट, ठीक है? उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन देन कमेंट और ये चीजें करनी है। कितने स्पॉट्स रहेंगे? 7। कितना मार्क्स रहेगा? 7। कर लेंगे एग्जाम में, एग्जामिनर के सामने ये आपका होगा, ठीक है? कहीं भी ये भी नहीं है कि नहीं एग्जामिनर, एग्जामिनर माइनिट करता रहेगा कि आपने स्पॉट को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया या नहीं किया, ठीक है? उसमें आपको स्लाइड वाले में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। स्लाइड को अभी से देख करके आप पहचान लेंगे कि ये स्लाइड किसकी है और इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं और वो सब आप इसकी नोट कर लेंगे। वही फीचर्स नोट करेंगे आप जो फीचर आप यहाँ पर माइक्रोस्कोप में रियलिटी में देखेंगे। किताब का लैब मैनुअल में जो लिखा है अगर आपने डायरेक्टली वही लिख लिया तो फिर उससे काम नहीं बनेगा आपको। आपको डायरेक्टली क्या लिखना है कि यहाँ पे जो स्पॉट्स आपने, जो कमेंट आप रियली में देख रहे हैं, जो फीचर्स आप देख रहे हैं वो आप नोट करिए, देन उसको आप लिखिए, ठीक है? समझ गए? कर लेंगे। तो आज हम लोग जो स्पॉटिंग करने वाले हैं TS ऑफ टेस्टिस मैमल एंड TS ऑफ ओवरी मैमल, इसका आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपने लैब मैनुअल में रीड करिए ये होता कैसे है, TS क्या देखेंगे इसमें, एंड देन इसके बाद आप इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में सेट करना है। स्लाइड को जब माइक्रोस्कोप में आप सेट करेंगे, आपको प्रोसीजर पता है कैसे सेट करना है। आपको सन की लाइट इस पर स्ट्राइक करानी है रिफ्लेक्शन के द्वारा, आपको यहाँ पे आईपीएस के द्वारा चीज़ों को देखना है, इसको सेट करना है और फिर उसके बाद कमेंट उसके लिखने हैं। कितने समय का, कितना समय मिलेगा आपको? 1.5 से 2 मिनट। कर लेंगे, चलिए, थैंक यू।